Mawlana Muhammad ये किताब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लफ्ज बफ्ज कशफुल महजूब में जो लिखा है उसे आपके सामने पेश किया जाए मगर फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो तो दाता साहब से माफी चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कोई बात समझ में ना आ रही हो तो उसे आप महजूब से किताब से मिलाकर सही मानी पता कर सकते हैं ताकि आपको सही मालूम मिल सके हम सबको अल्लाह अपने हबीब वसल्लम सल सदके तोफ़ी दे कि हम सही इल्म हासिल करें और उस पर चलकर कर मार्फते इलाही हासिल करें अल्लाह ताला हम सब सबका हामीनासर और मदद करने वाला है बेशक वही ज़ात है जिसने हमें पैदा किया और वही हमें अपनी तरफ लौटाने वाला है तबका तबा ताबीन और दीगर मुक्तमीन के तरीकत हिस्सा आयिकम बदना मौलाना मुहमदिन सदना व मौलाना मुहमदिन मुबारिक वसलम नंबर चौंतीस हज़रत अहमद बिन याहयाब बिन जलाली रमत तरीकत के इमामों में से एक बजुर्ग, सुहेल बजुर्ग मारफत कतब मोहब्बत हजरत अबू अब्दुल्ला अहमद बिन बिन जलाली रहमत आप बजुर्गान कौम और सादात वक्त में से थे नेक खसलत, उम्दा सीरत और हजरत जुनेद अबू अल हसन नूरी और दीगर अकाबिर तरीकत के सोहबत याफ्ता थे हकायक में आपका कलाम अरफा और इशारात लतीफ हैं आपका इर्शाद है आरिफ का अज़म इरादा अपने मौला की तरफ होता है इसके सिवा किसी चीज की तरफ वो मायल ही नहीं होता अदम मैलान की वजह यह है कि आरिफ को मार्फत के सिवा कुछ मालूम नहीं होता जब इसके दिल का खजाना मारफत हो जाता है तो इसकी हिम्मत का मकसूद दीदार इलाही के सिवा कुछ नहीं होता क्योंकि अफकार की परागंदगी गम व फिक्र पैदा करती है और इसके लिए बारगाह हक में माने हिजाब बन जाती है आप अपना वाक्या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दिन मैंने एक खूबसूरत और हसीन मजूसी लड़के को देखा मैं इसका हुसनो जमाल देख कर दंग रह गया और इसके रूबरू जाकर खड़ा हो गया इतने में हजरत जुनेद बदी अलह का गुजर इधर से हुआ मैंने इनसे अर्ज किया ए उस्ताद अल्लाह तला ऐसे हसीनो जमील चेहरे को दोजख में जलाएगा आपने फरमाया फर्जंद ये नफ्स का खेल है जो तुझे लाक हुआ है ये नजारायबरत नहीं है क्योंकि अगर तू निगाह बहे देखे तो ये आलिम के हर जर्रे में ऐसे ही अजूबे मौजूद पाएगा बहुत जल्द इलाही की बेहरमती की बिना पर सजा मिलने वाली है इसके बाद आप बयान करते हैं कि हजरत जुनेद मुंह फेर कर तशरीफ ले गए तो इसी वक्त मेरे हाफजा से कुरान करीम फरामोश हो गया यहाँ तक के मैंने बरसों अल्लाह से मदद मांगी और तोबा की तब कहीं जाकर दोबारा फिर कुरान करीम की नेमत मुझे हासिल हुई अब मुझ में ये जरूरत नहीं कि के आलम में किसी चीज़ की तरफ मुलतफित हों और अपनी मोहब्बत को इस कायनात में इबरत की नजर से देखने में जाया करो नंबर पैंतीस हजरत रदीम बिन अहमद रहमतुल्ला तरीकत के इमामों में से एक बजुर्ग वहीदुल असर इमाम हज़रत रदीम बिन अहमद रहमतुल्ल है जो अजल सदात मशाइ और हज़रत जुनेद रबीन ख़ास और राजदारों में से थे आप फकीह फुकहा हज़रत दाउताई रहमतल्ला के हम मशरब थे तफसरों में कामिल महारत और अपने ज़माना में तमाम लूम फ़नून में ऐसे मुनफरद थे कि कोई आपका हम पल लाना था हाल रिफत मुकाम और नेक ख़लती में यगाना रोजगार और रियाजत शदीदा में यकता व बेमिसाल थे अपनी उम्र के आखिरी आयाम में अलाई के दुनिया में मुल्वस होकर मुंसब कज़ा पर फायस हो गए आपका दर्जा दर होने से ज्यादा कामिल था चुनाचे हज़रत बगदादी रहमत फरमाते हैं कि हम आरफ़ हैं और रदी मशग़ूल फारे है आपकी तसानीफ बसरत है ख़ासकर वो किताब जिसका गलत में नाम से मुझे बहुत पसंद है एक शख्स ने आप पूछा आपका हाल कैसा है आपने फरमाया तुम इसका हाल क्या पूछते हो कि जिसका हाल यह है कि इसका दीन इसकी ख्वाहिश इसकी हिम्मत इसकी दुनिया वो ना साले मुतकी है न आरफ मुस्फी आपका यह इशारा नफ्स के ऐबों की तरफ है इसलिए कि नफ्स के नज़दीक हवा का नाम दीन है और हवा के पैरोकार इसे दीन का नाम देते हैं और इसकी पैरवी को शरीयत की मुताबित कहते हैं जो भी नफ्स की ख्वाहिश पर चलेगा अगरचे वो मुब्तदा हो अहल हो अहले हवा के अंदर दीनदार कहलाएगा और जो इसके खिलाफ चलेगा अगरचे वो मुत्तकी ही क्यों ना हो इसे बेदीन कहा जाएगा हमारे जमाना में ये फितना फसाद एक दूसरे में आम है लिहाजा जिनकी ऐसी हालत हो हम इनकी सोहबत से पनाह मांगते हैं दर हकीकत, शेख ने साइल के जवाब में अहले ज़माना के हाल की तरफ इशारा किया है और ये भी मुमकिन है कि साइल को इस हाल के मुताबिक पाया हो आपने अपने ऊपर ढालकर इसका हाल इस तरह बयान किया हो और अपना हाल मखफी रखा हो वल्लम नंबर छत्तीस हजरत यूसुफ बिन हुसैन राजी तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग नादर जमाना रफीमंत हजरत अबू याकूब यूसुफ बिन हुसैन राजी रही है जो वक्त के अकाबरे आयमा और मुखदमिन मशाइ में से थे अपनी जिंदगी बहुत उमदा गुजारी हजरत जुलअलनू मिसरी रहमत के मुरीद बकसरत मशाइ के सोबत याफ्ता और इनके खिदमत गुजार थे आपका इर्शाद है लोगों में सबसे ज्यादा लालची जलील दरवेश है और इनमें सबसे ज्यादा साहिब इज़्ज़त दरवेश सादिक है क्योंकि लालच दरवेश को दोनों जहान में ख्वार कर देती है इसलिए के बजाय खुद दरवेशी अहले दुनिया की नज़र में हकीर व जलील है और जब इसके साथ लालच भी शामिल हो जाए तो और ज्यादा जलील बना देती है लिहाजा साहेब इज़्ज़तोंगर जलील दरवेश से बहुत ज्यादा अच्छा है और तमा लालच से दरवेश महज फरेबी और झूठा मालूम होता है और दूसरा मुहब भी अपने महबूब की नज़र में तमाम मखलूक से ज्यादा जलील होता है इसलिए कि महब खुद को अपने महबूब के मुकाबला में बहुत जलील जानता है वो इसके साथ इनकसारी से पेश आता ये भी तमा लालच का नतीजा है जिस तबीयत से तमाम जाती रहती है तब हर जिलत में वो इज्जत पाता है चुनाचे जब तक जुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तामे रही वो हमेशा जलील तर होती रही और जब तमा जाती रही तो अल्लाह ताला ने इनका व जमाल और आलिम शबाब इन्हें वापस कर दिया ये कायदा है कि मुहब जितना महबूब के सामने आने की कोशिश करेगा महबूब उतना ही दूर होता जाएगा जब दोस्ती को हाथ में ले और महज़ दोस्ती में दोस्त से किनारा कश हो जाए और सिर्फ दोस्ती ही पर इतफा करे दोस्त इसकी तरफ मतवजह होगा दर हकीकत मुहिब की इज्जत इस वक्त तक है जब तक वसल की तमा ना करे और जब मुहिब में विसाल की हवस पैदा हो और वसल ना आए तो इसका लाजमी नतीजा है कि वो जलील हो जाता है और जिस मुहिब को दोस्ती में दोस्त के विशाल फिराक से बेनियाजी ना हो इसकी मुहबत गर्जमंदाना होती है नंबर सैंतीस अबुल तरीकत हज़रत अब अलहसन समन बिन अब्दुल्ल हवास रहमत अज़ आय तरिक आफ्ताब अहल मोहब्बत कदालत हज़रत अबूअल हसन समल्ला खवास रहमतल्ला है जो अपने ज़माना में बेनज़ीर थे मोहब्बत में आपका मरतबा बुलंद था तमाम मशाख बुजुर्ग जानते थे और समनूनल मुहिब कहते थे हालाँकि वो खुद अपने को समनून अलकब कहा करते थे आपने खलील से बड़ी तकलीफें उठाई इसने खलीफा वक्त के आगे नामुमकिन झूठी गवाहियां दीं जिससे तमाम मशाइ अजरदार रहे ये खलील एक रयाकार आदमी था जो सूफियों पारसा होने का मदई था जिसने खुद को बादशाह का हजूरी और इसका नायब खलीफा मशहूर कर रखा था और पक्का दुनियादार और चुगल इंसान था जैसे चुगलखोर और झूठे लोग आज भी पाए जाते हैं इसी तरह ये मदई दरवेशों और मशाइ की बदगोईया हकाम उम्रा के सामने करता रहता था ताकि ऐसे लोगों की रसाई आमरों और हाकिमों तक न होने पाए और ख़ुद इसका मरतबा बरकरार रहे मुकाम मुसरत है कि हज़रत समनून और इन मशाइ के ज़माना में सिर्फ एक ही ऐसा बदखसलत शख्स था वरना इस ज़माना में तो हर मुहक के लिए एक लाख खलील जैसे बदतीनत मौजूद थे बगदाद में जब हजरत समनून के मरतबा का गुलगला बुलंद हुआ और हर एक आपकी नज़दीकी का ख्वाहा हुआ, हुआ तो गुलाम अल ख़लील इससे रंजीदा हुआ और इसने कई बातें घड़ ली यहाँ तक कि एक खूबसूरत औरत को हज़रत समनून के पास भेजा हज़रत समनून की नज़र जब इसके जमाल पर पड़ी तो औरत ने अपने आप को पेश किया आपने इसे झड़क दिया फिर वो हज़रत जुनेद के पास पहुंची और इनसे कहा कि आप समनून से फरमाएं कि वो मुझसे निकाह कर लें हज़रत जुनेद को इसकी ये दरख्वास्त नापसंद आई और इसे झड़क कर निकाल दिया इसके बाद वो ग़ुलाम ख़लील के पास आई और इससे इन औरतों की मानंद जोधकारारी जाती हैं और इतहाम तराजी शुरू कर देती हैं आप पर तोहमत धरने लगी और इस किस्म की बातें बनाकर कहने लगी कि जो सुनता इनसे बर्गश्ता हो जाता खलीफा को इतना बर्गश्ता कर दिया कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया जब जल्लाद को बुलाया गया और इसने खलीफा से कत्ल की इजाज़त मांगी और खलीफा ने कत्ल की इजाजत देनी चाही तो इसकी जुबान गंग हो गयी जब इस रात वो सोया तो ख्वाब में इसे खबरदार किया गया की कि तेरे मुल्क और हकूमत का जवाल हज़रत समनून अलह की ज़िंदगी से वाबस्ता है दूसरे दिन खलीफा ने इनसे माफ़ी मांगी और हुसनी सलूक से पेश आया हकीकत मोहब्बत में आपका कलाम बुलंद और इशारा दकीक हैं एक मरतबा का वाक़ है कि जब वो हजाज से वापस आ रहे थे तो शहर कैद के लोगों ने दरख्वास्त की मम्बर पर तशरीफ फरमा होकर कुछ पंदो नसाय फरमाएं आप मम्बर पर बाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए कोई मतवजा ना हुआ आपने अपना रुख मस्जिद की कंदीलों की तरफ करके फरमाया कदीलो मैं तुमसे मुखातिब हूँ दफतन सब कंदीलें गिर कर चिकना चूर आपका इर्शाद है। चीज़ों की ताबीर इससे होती है क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा अदक चीज कोई नहीं है इसकी ताबीर किसी चीज से नहीं ली जा सकती मतलब ये है की मोहब्बत के मफहूम को अल्फाज इबारात में अदा नहीं किया जा सकता यानी इबारात मबर यानी माना की सफत है और मोहब्बत महबूब की सिफत है लिहाजा इबारत के जरिया इसकी हकीकत का इदराक नामुमकिन है आलम नंबर अड़तीस हजरत शाह रहमत अल अज आयम तरीकत शाह तगैरात जमाना से महफूज हजरत अबू अलफवार शाह शुजा कर्मानी रहमतल्ला है जो खान वाद से ताल्लुक रखते हैं आप अपने जमाना में बेनज़ीर और अबू तराब नक्शबी अलह के सोबत याफ्ता थे बकसरत मशाइ से मुलाकात की हजरत अबूस्मान हेरी के तस्करा में आपका मुख्तर हाल मसकूरा है तसवुफ में आपकी कुतब तहरीरें मशहूर हैं आपको मरतल हुक्मां दानश मंदों का आयना कहा जाता था आपका कलाम बुलंद है आपका इरशाद है साहब फजीलत को इस वक्त तक फजीलत है जब तक के अपनी फजीलत को ना देखे जब उसे देख लिया तो अब इसकी कोई फजीलत नहीं ऐसे ही साहेब विलायत के लिए इस वक्त तक विलायत है जब तक के वो इसकी नजर से पोशीदा है जब इसे नजर आ गई तो अब इसके लिए कोई विलायत नहीं मतलब ये है कि फजीलत ऐसी सिफत है जिसे फाइल नहीं देखता इसी तरह विलायत भी ऐसी सिफत है जिसे वली नहीं देखता जिसने अपने आप को देखा कि मैं फाइल हूँ या वली हूँ तो वो ना फाजिल है और ना वली आपकी सीरत के तस्करे में मजकूर है कि आप चालीस साल तक सोए नहीं और जब सोए तो इन्हें ख्वाब में दीदार इलाही नसीब हुआ उन्होंने गर्ज़ किया कि ए खुदा तुझे तो मैं बेदारी में तलाश कर रहा था मगर तू तो ख्वाब में मिला फरमाया ए शाह तूने बेदारी की वजह से ही ख्वाब में नमत दीदार पाई है अगर तू वहां सोता तो यहां ना पाता वल्ल आलम नंबर उनतालीस हजरत बिन उस्मान मक्की अलैह, तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग दिलों के सरवर बवातिन के नूर हजरत उमरु बिन उस्मान मक्की रमतल है जो अकाबर सादात अहल तरीक़त में से थे इल्म तरीकत के हकायक में आपकी तसानीफ मशहूर हैं अपनी नस्बत इरादत हजरत जुनेद बगदादी हजरतुनेगदादी रहमत से करते थे इनके बाद उन्होंने हजरत अबू सईद हर्राज से मुलाकात की और नाजी की सहबत पाई असूलों में आप इमाम वक्त थे आपका इर्शाद है मरदान खुदा के वजद की कैफियत इबारत से अदा नहीं की जा सकती क्योंकि वो हक का भेद है जो मोमिनों के लिए है इसलिए कि जिन लफ्जों को मरकब करके मफहूम अदा किया जाएगा वो हक के ताला का भेद नहीं होगा बंदों की हर सही सई और तसरफ पर मबनी है और इसरार रब्बानी इससे बहुत दूर है हजरत उमरू जब इस फहान तशरीफ लाए तो एक नौजवान आपकी सोहबत में शामिल हो गया इस कबाप इनकी सोहबत से मना करता था यहां तक कि वो नौजवान इस गम में बीमार पड़ गया और अरसा तक मुहब्बत में ना आया एक रोज़ हजरत उमरू अपने रफ़ा के साथ इसकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए नौजवान ने इशारा किया कि किसी कवाल को बुलाकर चंद इशार सुनवा दीजिए चुनाचे कवाल बुलवाया गया और इसने ये शेर पढ़ा मेरा अजब हाल है कि मैं बीमार होता हूँ तो तुम में से कोई मेरी अयादत को नहीं आता और जब तुम बीमार होते हो तो मैं बीमार पुरसी करता हूँ नौजवान तो कर और मर्ज की शिद्दत बहुत कम हो गई और वो कहने लगा ए कवाल और कोई शेर सुनाओ चुनाचे उसने पढ़ा, तुम्हारी सोहबत में हाजरे की बंदिश अपने मर्ज से ज्यादा सख्त है और तुम्हारी सोहबत से रोकना मुझ पर बहुत दुशवार है ये सुनकर नौजवान खड़ा हो गया और सारा मर्ज दूर हो गया ये देखकर उसके बाप ने इसे हजरत उमरू के सुपुर्द कर दिया इनकी तरफ से दिल में जो अंदेशा था इसकी माजरत चाही और तोबा की वो नौजवान मशाइख़ तरीकत में शामिल है वल्ल आलम नंबर चालीस हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रमतल तरीकत के इमामों में एक बुजुर्ग मालिकुल्कलूब माहूब हजरत अबू मोहम्मद सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्ल है जो शेख वक्त और सबके नज़दीक सतुदा सिफात थे आप साहिबान रियाजत शदीदा और नेक खसलत थे इख़लास और अफआल के अयूब में आपका कलाम लतीफ़ है फरमाते हैं कि वो शरीयो हकीकत के जामे थे हालांकि ये मकूला बजाय खुद ख़ता की इलामत है इसलिए कि किसी ने शरीत तरीकत में फ़र्क नहीं किया है क्योंकि शरीय बगैर हकीकत के नहीं और हकीकत बगैर शरीय के नहीं दोनों लाजि मुलज़म हैं। मुमकिन है इस मक़ूला से इनकी मुराद ये हो कि इनका कलाम फहम हकीकत में बहुत आसान और दिलों में असर करने वाला था अल्लाह ताला ने जब खुद शरीयत और हकीकत को यकजा फरमाया तो नामुमकिन है कि कोई वली इनमें फ़र्क करे लामोहाल जो फ़र्क को जायज रखता है इस पर लाजिम आता है कि वो एक को कबूल करे और दूसरे को रद्द कर दे हालांकि शरीत का रद्द करना इलाहाद बेदीनी है और तरीकत का रद्द करना कुफर शिरक है और जो फर्क भी नज़र आता है वो मानी का फर्क नहीं बल्कि असबात हकीकत का फर्क है चुनाचे कहते हैं कि के लाला हकीत मोहम्मद शरीयत ला अला हकीकत है और मोहम्मद रसूल्लाह शरीत है अगर कोई सेहत ईमान की हालत में एक दूसरे से जुदा करना चाहे तो नहीं कर सकता इसकी ये ख्वाहिश सेहत ईमान को बातिल करती है हालांकि पूरी शरीयत हकीकत की फराव है जिस तरह का इकरार हकीकत की मार्फत है इसी तरह फरमान को बजा लाना शरीयत के हम माना है। ये जाहिरदार लोग जो इन्हें पसंद ना आए इसके मुनकर हो जाते हैं राह के असूलों में से किसी असल का इनकार खतरनाक है आपका इर्शाद है रुए जमीन में रहने वालों पर इस हाल में सूरज तुलुआ गुब होता है अल्लाह ताला से इनकी बेखबरी बढ़ती ही जाती है बजुज इन खुशनसीब लोगों के जिन्होंने अल्लाह ताला को अपने आप पर और अहलोल और अपनी दुनिया व आखरत पर मुकदम कर लिया मतलब यह है कि जो शख्स अपने मुकद्दर के दामन पर दस्त अंदाज़ी करता है ये इसकी दलील है कि वो अल्लाह कुदरत से ला इल्म है क्योंकि अगर इसे मार्फत होती तो वो तदबीर से किनारा कश हो जाता क्योंकि मार्फत तदबीर के तर्क की मुक्त है और इसका दूसरा नाम और रजा है तदबीर का इस्बात तकदीर से जहालतो नादानी है वल्लाहु आलम नंबर इक्यालीस हजरत मोहम्मद बिन फजल बल्खी रहमतुल्ला तरीकत के इमामों में से एक बजुर्ग मुख्तार अहले हरमैन मशा के कुरतुलैन। हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला मुहमद बिन फजल बल्खी रहमतुल्ला है जो अजला मशाइ में से थे और अहले इराको के महबूब थे हजरत अहमद बिन हजरिया के मुरीद थे और हजरत अबीम ताल्लुक था महत्व लोग आप वहाँ से, से समरकंद तशरीफ ले गए और वही उम्र गुजारी आपका इर्शाद है लोगों में सबसे ज्यादा आरफ वो है जो अदाए शरीत में कोशा और अपने नबी सलम की पैरवी का सबसे ज्यादा ख्वा है चूंकि जो जितना ज्यादा खुदा के नज़दीक होगा वो इतना ही ज्यादा अदा हुक्म में हरीस होगा और जितना ज्यादा खुदा से दूर होगा वो इतना ही ज्यादा इसके रसूल अलैहि वसल्लम की पैरवी से किनारा कश होगा आपका इर्शाद है मैं इस शख्स पर ताजुब करता हूँ जो जंगलों सेहरा और बयाबानों को तय करता हुआ खुदा के घर और हरम तक पहुँचता है क्योंकि इसमें इसके नबियों के आसार हैं लेकिन वो अपने नफ्स के जंगल और अपनी ख्वाहिशात की दीवारों अपनी ख्वाहिशात की वादियों को तय करके अपने दिल तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करता क्योंकि दिल में तो इसके मौला के आसार हैं मतलब यह है कि दिल हक ताला की मार्फत की जगह है वो इस काबा से बेहतर है जो खिदमत व इबादत का किबला है काबा वो है जिसकी तरफ बंदे की नजर है और दिल वो है जिसकी तरफ हक ताला खुद नजर फरमाता है जहां मेरे दोस्त का दिल होगा मैं वहां हूंगा और जहां इसका हुक्म होगा मेरी मुराद वहां होगी और जिस जगह मेरे नबियों के आसार हैं वो जगह मेरे दोस्तों का किबला है नंबर बयालीस हजरत मोहम्मद बिन अली तिरमजी अलैह तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग शेख बाख्तर फानी असफ़ात बशर हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली तिरमजी रहमतल्ला हैं जो फ़नून इल्म के कामिल इमाम और बरगजीदा शेख उमुशाइ थे आपकी तसानीफ बसरत हैं और हर किताब से आप करामते आपकी करामतें जाहिर हैं आपकी तसानीफ में किताब खत्मायत किताब अल नहज और नवादर असूल ज़्यादा मशहूर हैं मैं आपकी हर किताब पर फ़रीफता हूँ मेरे शेख ने फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद बिन अली तिरमजी ऐसे दरीदतम हैं जिनकी मिसाल सारे जहान में नहीं है अलूम जहरी में भी आपकी किताबें हैं और अहादीस में आपकी सनत बहुत वकी है आपने एक तफसीर भी शुरू की थी मगर आपकी उम्र ने वफा ना की जिस कदर तहरीर फरमाई है वो तमाम अहल इल्म में मरवज है हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा रदील्लाहों के मुसाहबीन में से किसी एक ख़ास मुसाहब को फका पढ़ाई शहरे तिरमज़ में आपको हकीम तिरमजी के नाम से याद किया जाता था इस विलायत में तमाम दानश्वर सूफ़िया आपकी पैरवी करते थे आपके मुनाक़ब बहुत हैं आप हज़रत अलहसलाम की सोहबत में भी रहे आपके मुरीद हज़रत अबू बकर वराक बयान करते हैं कि हर इतवार को हज़रत अलैहिस्सलाम इनके पास आते और एक दूसरे से तो हालात दरियाफ्त करते थे आपका इर्शाद है जो शख्स शरीयत और अवाफ अबूदियत से नावाफ है और अवसाफ रबूबियत से तो और भी ज्यादा बेखबर होगा जो जाहिर में मार्फत नफ्स की राह से बेखबर है वो मार्फत रब की राह यानी तरीकत से भी बेखबर होगा क्योंकि जाहिर बातिन के साथ मरबूत है और जाहरी ताल्लुक बगैर बातिन के मुहाल है नीस बगैर जाहिर के बातिन का दावा भी बातिल है लिहाजा औसाफ रबूबियत की मार्फत अर अबूबियत बंदगी की सेहत पर मुंहसर है और ये बात सेहत अदब और शरीत की पाबंदी के बगैर हासिल नहीं हो सकती नंबर तैतालीस हजरत अबूबकर मोहम्मद बिन उम्र वर्राक रहमतुल्ल तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग शर्फ जहाद उम्म मज अहल सफूत हजरत अबूबकर मोहम्मद बिन उम्र वराक रहमतुल्ल हैं जो अकाबर जहाद मशाइ में से थे आपने हज़रत अहमद बिन हजरू से मुलाकात की और हज़रत मोहम्मद बिन अली तिरमजी की सोहबत पाई आदाब मामला में आपकी तसनीफ बकसरत हैं मशाइ अज़ाम औलिया कहते हैं हिकायत आप फरमाते हैं कि मेरे शेख हज़रत मोहम्मद बिन अली तिरमजी ने चंद और मुझे दिए थे कि मैं इन्हें दरिया हयून में डाल दूं, लेकिन मेरा दिल इनके दरिया बुर्द करने पर राजी ना हुआ मैंने इन और राख को अपने घर रख लिया और हाजिर होकर कह दिया कि मैंने दरिया में डाल दिया आपने फरमाया तुमने क्या देखा मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा फरमाया तो फिर तुमने इन्हें दरिया बुर्द नहीं किया जाओ इन्हें दरिया बुर्द करके आओ चुनाचे मैं गया इस वक्त दिल में कई किस्म के वसवसे लाहक हो रहे थे बिलाखिर इन औराक को दरिया में डाल दिया दरिया का पानी इसी लम्हा छटा और एक संदूक नमूदार हुआ जिसका ढकना खुला हुआ था और औराक इस संदूक में चले गए फिर इसका ढकना बंद हो गया और पानी बराबर होकर संदूक रूपोश हो गया वापस आकर उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया आपने फरमाया हाँ अब तुमने डाला है मैंने अर्ज किया ऐ शेख ये क्या इसरार हैं मुझ पर जाहिर फरमाइए आपने फरमाया मैंने असूल तहकीक में एक किताब लिखी थी जिसका समझना दुशवार था मेरे भाई हजरत ने मुझे इससे मांगा अल्लाह ताला ने पानी को मामूर फरमाया कि वो इन तक पहुँचा दे हज़रत अबू अलैह का इरशाद है कि लोग तीन तरह के हैं: उलमा उम्रा और फुकरा। जब उलमा खराब हो जाते हैं तो खल के तातो अहकाम तबाह हो जाते हैं और जब उमरा खराब हो जाते हैं तो लोगों की मीशत तबाह और बर्बाद हो जाती है और जब फकर खराब हो जाते हैं तो लोगों के अखलाक बर्बाद हो जाते हैं लिहाजा उम्र सलातीन की खराबी जुलमा की हिरसो तमा की सूरत में जाहिर होती है और फकरा की खराबी जाहो मनसब की ख्वाहिश में रूनुमा होती है जब तक उम्र वलातीना से मुंह नोड़े तबाह वर्बाद नहीं होते और जब तक उल्मा, बादशाहों की सहबत से इज्तनाब करें तबाहो खराब नहीं होते और जब तक फुकरा में चाहो हशमत की ख्वाहिश पैदा नहीं होती तबाहो खराब नहीं होते इसलिए कि बादशाहों का जुल्म बेलमी की वजह से उल्मा में तमा बदानती की वजह से और फुकरा में चाहो हशमत की ख्वाहिश बेतवक् की वजह से पैदा होती है लिहाजा बेल बादशाह बदानत आलम और बेतवक् फ़कीर बहुत बुरे होते हैं लोगों में खराबियों का जहूर और बुराइयों का सदूर इन ही तीनों ग्ररोहों से रूनुमा होता है नंबर चवालीस हजरत अबू सैद अहमद बिन ईसी हर्राजी र्ला तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग सफीना तवक् रजा साल के तरीके फना हजरत अबू सैद अहमद बिन ईसी हर्राजी र जो अहवाल मुरीदा की जुबान और तालिबान अवात के बुरहान थे सबसे पहले जिसने तरीकत बकावफना की तारीफ लफ्जों में की वो आप ही थे आपके मुनाकब उमदा रियाजतें और इसके नुकते मशहूर हैं इनसे किताबें भरी पड़ी हैं आपका कलाम और आपके रमूज अशारा बुलंद हैं हजरत जुल्न मिसरी बशर हाफ़ी और सरी सक्ता रहमुल्ला की सोहबत उठाई आपका इर्शाद है कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने दिलों को इस खासियत पर पैदा फरमाया है कि जो इस पर एहसान करता है इसका दिल मोहब्बत के साथ इसकी तरफ मायल होता है मुझे ऐसे दिल पर ताज्जुब होता है जो ये देखने के बावजूद कि अल्लाह ताला के सिवा कोई एहसान करने वाला नहीं मगर वो खलूस दिल से खुदा की तरफ माइल ना हो हकीकत यह है कि वही एहसान करता है जो ईमानों यानी जानों का हकीकी मालिक हो एहसान की तारीफ ये है कि साहेब एहतियाज के साथ भलाई की जाए और जो खुद दूसरे का एहसान मंद है वो भला किसी दूसरे पर क्या एहसान करेगा चूंकि हकीकी मलकियत और हकीकी बादशाहत अल्लाह ताला ही को हासिल है और इसी ही की जात ऐसी है जो किसी दूसरे के एहसान से बेनियाज है जब बंदगाने खुदा मुन मोहसिन के इनाम एहसान के इस मानी को देखते हैं और समझते हैं तो इनके कलूब साफिया मुकम्मल तौर पर इसकी मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं और वह हर गैर से किनारा कश रहते हैं नंबर पैंतालीस है। हजरत अली बिन मोहम्मद इस्फानी रहमतल्ला तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग शाहे मुहकान दिल मुरीदा हजरत अबुल हसन अली बिन मोहम्मद इसफहानी रहमतल्ला हैं ये भी कहा गया है कि हजरत अली बिन मोहम्मद जो इकाबर मशाइ में से थे और इनसे हज़रत जुनेद बगदादी की लतीफ़ मुताबिकत हुई और बिन उस्मान मक्की इनकी ज्यारत को इस्फहान तशरीफ़ ले गए वो अबू तराब के मुसाहिब हज़रत जुनेद के रफ़ी के ख़ास थे वल्ल आलम गर्ज़ ये कि आप ममदूह मशाइ रियाजत रियाजत से आरास्ता और फितना व आफत से महफूज थे हक़ व मामला में उमदा ज़बान और दिकाएको इशारात में लतीफ़ बयान के हामिल थे आपका इर्शाद है कि बारगाहे कुत्सी में हजूरी यकीन से अफजर है इसलिए हजूर दिल में जागजीन होता है इसमें गफलत जायज़ नहीं और यकीन में ख़तरे हैं कभी हो कभी ना हो लिहाजा हाजिर रहने वाले हजूर में रहते हैं और यकीन करने वाले चौकट पर नीज़ आपका इर्शाद है आदम अलैहिस्सलाम से क्यामत तक लोग यही कहते रहे और कहते रहेंगे कि हाय दिल हाय दिल लेकिन मैं ऐसे शख्स को देखना पसंद करता हूं जो ये कहे कि दिल क्या है ये दिल कैसा होता है लेकिन मैंने ऐसा शख्स अभी तक नहीं देखा आम लोग गोश्त के लोथड़े को दिल कहते हैं तो वो पागलों दीवानों और बच्चों में भी होता है अगर वो दिल नहीं है तो फिर दिल क्या है जिसे बजूज लफ्जों के नहीं सुनता यानी अगर अकल को दिल कहें तो वो दिल नहीं है और अगर रूह को दिल कहें तो वो भी दिल नहीं है अगर इल्म को दिल कहें तो वो भी नहीं मतलब यह है कि शवाहद हक का क्याम जिस दिल से किया जाता है वो लफ्ज़ बयान में है लेकिन जाहिर में इसका कोई वजूद नहीं नंबर छियालीस हजरत अबुल हसन महमद बिन इस्माईल खैरनसाज रहमत तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग शेख अहल तस्लीम तरीक मोहब्बत में मुस्तकीम हजरत अब्बुल हसन मोहम्मद बिन इसमाइल खैरसाज रहमतुल्ल हैत अबुल हसन मोहम्मद बिन इस्माईल खैरसाज रहमतल्लै जो अपने ज़माना में बुजुर्गानशाख में से और मामला में उमदा ज़बान और महजब बयान रखते थे तवील उम्र पाई हज़रत शिबली और हज़रत इब्राहिम ख्वास अल्लाह ने आपकी मजलिस में तोबा की और हज़रत शिबली को हज़रत जुनेद बगदादी की ख़िदमत में अहतरामज़्ज़त के साथ भेज दिया आप हज़रत सरीसा अलह के मुरीद थे हज़रत अबुल हसन नूरी के हमजमाना और हज़रत जुनेद बगदादी के नज़दीक काबिल एहतराम शख्स थे हज़रत अबू हमजा ने आपकी खैर ख्वाही की आपको निसाज कहने की वजह ये है कि आप अपनी जाय विलादत सामरा से बाराद हज रवाना हुए जब कोफा से गुजर हुआ तो शहर पनाह की दीवार पर एक रेशम बनाने वाले ने आपको पकड़ लिया और कहने लगा तू मेरा ग़ुलाम है और तेरा नाम खैर है आपने इस मामला में कज़ा कदर का हाथ देखा तो इससे तारुज न किया यहां तक के साल हा साल इसके साथ काम करते रहे जब भी वो पुकारता कि ख़ैर, तो जवाब देते कि हाजिर हूं हत्या कि वो शख्स अपने किए पर शर्मसार हुआ और आपसे कहने लगा कि मैंने गलती की है तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो अब तुम जाओ फिर आप वहां से चलकर मक्का मुकरमा आए और इस दर्जा मुकाम तक रसोई पाई हज़रत जुनीद बगदादी रमतल है फरमाते हैं कि खैर ना हमारा खैर बहुत अच्छा है आप इसे पसंद करते थे कि लोग आपको खैर से पुकारें आप फरमाया करते थे कि ये जायज़ नहीं है कि एक मुसलमान ने मेरा नाम खैर रखा मैं इसे बदल दूं जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो शाम की नमाज का वक्त था जब मौत की बेहोशी में आँख खोली तो मालकुल मौत के सिवा कुछ नजर न आया इस वक्त आपने कहा मौत, खुदा तेरा भला करे ज़रा ठहर जा तू भी बंदा फर्मा बरदार है और मैं भी बंदा फर्मा बरदार हूँ तुझे जो हुक्म दिया गया है तो इसे तर्क नहीं कर सकता यानी तुम रुह जरूर कब्ज़ करोगे और जो हुक्म मुझे दिया गया है मैं भी इसे नहीं छोड़ सकता यानी शाम की नमाज़ जरूर अदा करूंगा लिहाजा तुम मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं फरमान इलाही बजा लाऊ फिर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा कि तुम भी खुदा का हुक्म बजा लाओ इसके बाद आपने पानी तलब फ़रमाया वज़ू करके नमाज अदा की और जान जाने आफरीन के स्पुरद कर दी इसी रात लोगों ने ख्वाब में आपको देखा तो उन्होंने आपसे पूछा कि खुदा ने आपके साथ क्या सलूक किया आपने फरमाया ये बात मुझसे ना पूछो क्योंकि मैंने तुम्हारी दुनिया से रहाई पाई है आपका इर्शाद है कि अल्लाह ने मुख्तियों के सीना को नूर यक़ीन से भर दिया है और मुसलमान की आंखों को हक़ ईमान के, के नूर से मुनवर फरमा दिया है मतलब यह है कि मुक्तियों के लिए यकीन के सिवा कोई चारा नहीं इनका दिल नूर यकीन के लिए खोला गया है और मोमिन को ईमान के हक़ के सिवा कोई चारा नहीं इनकी अक्लों की बसीरतों को नूर ईमान से रोशन कर दिया गया है लिहाजा जहां ईमान होगा यकीन होगा और जहां यकीन होगा तकवा भी होगा क्योंकि ये एक दूसरे के करीब और एक दूसरे के ताबे हैं नंबर सैंतालीस हजरत अबू हमजा ख़ुरासानी रहमतल्ला तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग दाइ असर यगाना दहर हजरत अबू हमजा खुरासानी रहमतल्ला हैं, जो खुरासान के खुदमा मशाख में से हैं आपने हजरत अबू तराब की सहबत पाई और हजरत खुराज से मुलाकात की तवक्ल पर आपको कामिल एतम इशकान था हकायत एक दिन का वाक़ है कि आप जा रहे थे कि अचानक कुएं में गिर पड़े तीन दिन के बाद एक काफिला इधर से गुजरा और कुएं के किनारे इसने पड़ाव किया आपने दिल में खयाल किया कि अहले काफिलों को मदद के लिए पुकारें या नहीं फिर खयाल गुजरा कि आवाज़ें देना अच्छा नहीं है क्योंकि यह गैर खुदा से मदद चाहना होगा और इसकी शिकायत भी गोया मैं ये कहूँगा कि खुदा ने तो मुझे कुएं में डाला अब तुम मुझे यहाँ से आकर निकाल लो इतने में काफिला वाले खुद कुएं पर आ गए और कुएं में झांक कर कहने लगे ये कुआं सरेराह वाकई है न कोई रोक इस पर है न मुढ़र वगैरह ऐसा ना हो कि कोई राह गुजर इसमें गिर पड़े आओ मिलकर इस पर छत डाल दें और इसका दहाना बंद कर दें ताकि इसमें कोई गिर ना पड़े और इस अमले खैर का अजर खुदा से हासिल करें हजरत अबू हमजा फरमाते हैं कि इनकी ये बात सुनकर मुझे घबराहट तारी हो गई और मैं अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गया काफिला वालों ने कुएं पर छत डाली और दहाना बंद करके जमीन हमवार की और चले गए मैं खुदा से दुआ मांगने लगा मौत के तस्वुर से मेरा दिल बैठने लगा चूंकि अब किसी मखलूक की मदद पहुंचने का इम्कान ही नहीं था चुनाचे जब रात हुई तो मैंने देखा कि छत पर जुम्बिश पैदा हुई जब गौर से देखा तो नजर आया कि को कोई चीज दहाने के सर को खोल रही है और अजदहे की मानंद कोई बहुत बड़ा जानवर अपनी दुम कुएं में लटका रहा है इस वक्त मुझे यकीन हुआ कि यह मेरी निजात का जरिया है और यह हक ताला की फुरस्तादा है मैंने इस जानवर की दुम पकड़ ली और इसने मुझे खेच कर बाहर निकाल लिया इस वक्त गैब से आवाज आई ए एबा हमजा कैसी अच्छी तुम्हारी निजात है कि जान लेने वाले के जरिया तुम्हारी जान को निजात दिलाई गई लोगों ने आपसे सवाल किया कि गरीब यानी अजनबी कौन है आपने फरमाया वो शख्स है जो उल्फत मोहब्बत इलाही से परेशानों वारिफता हो दरवेश के लिए दुनिया व आखरत में कोई वतन नहीं है और वतन के सिवा उल्फत करना वहशत है जब दरवेश की उल्फत मखलूक से मुनकता हो गई तो वह हर एक से वहशत जदा होगा इसकी ये हालत गुरबत कहलाएगी ये बहुत बुलंद दर्जा है वल्लाहु आलम नंबर अड़तालीस हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मसरूक अलैह तरीकत के इमामों में एक बुजुर्ग दाइ मुरीदा बहुकम फरमानेलाही हज़रत अबू अलबास अहमद बिन मशरूक रहमतुल्ला हैं जो खुरासान के अजला मशाख अकाबर में से हैं और तमाम अलिया आपके ज़मीन पर औताद होने पर मुतफिक हैं आपने कुतबल मदार अलह की सोबत पाई लोगों ने आपसे कुतबल मदार अलह की बाबत पूछा कि वो कौन है आपने उसकी वजाहत नहीं फरमाई अलबत् इशारात से पता चलता है कि इससे आपकी मुराद हजरत जुनेद बदी रहमतुल्ल हैं आपने चालीस साहिब तमकिन ओलिया की खिदमत की और इनसे इस्ता किया ज़ाहरी बातनी में आपको कमाल दस्तरस हासिल था आपका इर्शाद है कि यानी यानि मुसरत खुदा के सिवा किसी और से है तो इसकी ये खुशी दायमी गम का वारिश बनाती है और जिसका लगाव खुदा की खिदमत इबादत से ना हो तो इसका ये लगाव दायमी वहशत का वुरसा देती है इसलिए कि खुदा के सिवा हर चीज़ फ़ानी है और जिसकी खुशी फानी चीज से होगी तो जब वो चीज फना हो जाएगी तो इसके लिए बजुज हसरत गम के कुछ ना रहेगा और गैर खुदा की खिदमत हकीर शय है जिस वक्त अशिया मखलूक की दनायत और खुआरी ज़ाहिर होगी तो इसके लिए इससे अंस मोहब्बत रखना मौजो वहशतो परेशानी होगा लिहाजा गैर-अल्लाह पर नजर रखने ही से सारे जहान में गमो परेशानी है वल्लाहु आलम। नंबर उनचास हजरत अबू अब्दुल्ला बिन अहमद इस्माईल मगरबी अलैह, तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग उस्ताज मतवकलान शेख मुहक्किकान, हजरत अबू अब्दुल्ला बिन अहमद इस्माइल मगरबी रहा है जो बुजुर्गान सल्फ और अपने जमाना के मकबूल उस जामे से थे मुरीदों की खूब निगेबानी फरमाते थे हजरत इब्राहिम ख्वास और इब्राहिम शिबानी दोनों आपके मुरीद थे आपका कला में आली और ब्राहीन वाजे हैं खिलवत नशीनी में कामिल तर थे और आपका इर्शाद है कि मैंने दुनिया से ज्यादा मुनसिफ चीज़ नहीं देखी अगर तुम इसकी खिदमत करो तो वो तुम्हारी खिदमत करेगी अगर तुम इसे छोड़ दो तो वो तुम्हें छोड़ देगी मतलब ये है कि जब तक तुम दुनिया के तलब में रहोगे वो तुम्हारी तलब में रहेगी और जब इसे छोड़कर खुदा के तालब बन जाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगी और इसका ख़तरा तुम्हारे दिल में ना रहेगा लिहाजा जो सद के दिल से दुनिया से किनारा कश होता है वो इसके शर से महफूज रहता है वह आलम नंबर पचास हजरत अबू अली बिन अल हसन बिन अली जुरजानी रहत तरीकत के इमामों में से एक बुजुर्ग शेख जमाना अपने वक्त के यगाना हजरत अबू अली बिन अल हसन बिन अली रहमतुल्ला अलैह हैं, जो अपने जमाना में बेमसिल थे आपकी तसानीफ इल्म और रुईत आफात में मशहूर हैं हज़रत मोहम्मद बिन अली तिरमजी रहमतल्ला के मुरीद और हज़रत अबू बकर व्राक रहमतल्ला के हम असर थे हज़रत इब्राहिम समरकंदी आप ही के मुरीद थे आपका इर्शाद है की तमाम मखलूकल के मैदानों में महज जन गुमान पर एतमाद करके भागी चली जा रही है और वो अपने ख्याल में समझ रहे हैं की वो हक पर है और जो कुछ वो कर रहे हैं वो कश से कर रहे हैं आपके इर्शाद का मतलब ये है की सब कुछ तबीयत के गरूर और नफ्स की राउनत की वजह से है क्योंकि आदमी जाहल होने के बावजूद अपनी जहालत पर कामिल एतक़ाद रखता है बिलखसूस जाहिल सूफ़ी जिस तरह मखलूक ख़ुदा में सबसे बढ़कर अजीज होता है इसी तरह जाहिल सूफ़ी मखलू के ख़ुदा में सबसे ज़्यादा जलीलु ख़्वार होता है इसलिए किमाय तरीकत इल्मो हकीकत पर गामजन होते हैं ना कि महज जन व गुमान पर और जाहिल सूफी का तकिया गुमान पर होता है ना के यकीन पर वो ग़लत के मैदानों में चढ़ते हैं और गुमान ये रखते हैं कि वो विलायत के मैदानों में दौड़ रहे हैं जनो गुमान पर एतमाद होता है और ख्याल ये करते हैं कि यकीन पर हैं जाहरी रस्मों पर इनका अमल होता है और गुमान ये होता है कि वो हकीकत पर हैं नफसानी ख्वाहिशात से बोलते हैं और गुमान ये करते हैं कि ये मुकाशफा है आदमी के दिमाग से जनो गुमान का अखराज इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक के जलाल हक या जमाल हक़ का इसे दीदार ना हो जाए क्योंकि इसके जमाल के इजहार में सब कुछ इसी का देखता है और इसका जनो गुमान फना हो जाता है कशफ जलाल में खुद को भी नहीं देखता और इसका गुमान सर भी नहीं उठा सकता वल्लाहु आलम नंबर इक्यावन हजरत अबू मोहम्मद बिन अहमद बिन हुसैन हुरेरी अलैह तरीकत के इमामों में एक बुजुर्ग बासत उलूम वाजे रसूम तरीकत हजरत अबू मोहम्मद बिन अल हसैन हरेरी रहमतुल्लै है जो हज़रत जुनेद बगदादी बगदी रहमुल्ला के महर में इसरार थे हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी की सहबत पाई थी आप तमाम अलूम के आलिम और फिका में इमाम वक्त थे उसूल में महारत और तरीकत तसवफ में ऐसा दर्जा कमाल हासिल था कि हजरत जुनेद बगदादी से आप फरमाया करते थे कि मेरे मुरीदों को अदब रियाजत की तलीम दिया करें हजरत जुनेद रहमतल्ला की अदम मौजूदगी में आप इनके वली अहद होते और इनकी जगह तशरीफ रखते थे आपका इर्शाद है ईमान का दोआम दीन का कयाम और बदन की असलाह का इहसार तीन चीजों पर है कनात तकवा और गजा की हिफाजत जिसने खुदा पर इकतवा किया और इसी पर कनात की इसके बातनी इसरार दुरुस्त रहेंगे और जिसने खुदा की ममन चीज़ों से इज्तनाव किया इसकी सीरत उम्दा और मजबूत हो जाएगी और जिसने नामवाफिक खाने में एहतियात बरती इसकी तबीयत दुरुस्त रहेगी लिहाजा इक्तफा कनात का फल सफाए मार्फत है और तकवा का नतीजा पाकिजा इखलाक से मुजयन होता है और गजा में एहतियात का सम्र तंदरुस्ती का जामिन है मतलब यह है कि जो अल्लाह तला पर इक्तफा करता है इसकी मार्फत पाको साफ हो जाती है जो मामला में तकवा का दामन थामे रहता है इसकी आदात तो व खसलत दुनिया व आखरत में उम्दा हो जाएगी जैसा कि रसोल्लाम का इरशाद है कि जो रात में नमाज़ की कसरत रखता है इसका चेहरा दिन में दमकता चमकता रहता है एक हदीस में वारद है कि रोज़े क़यामत अहल तकवा इस शान से लाए जाएंगे कि इनके चेहरे मुनवर नूरी तख्त पर जलवा फगन होंगे और जो गज़ा में एहतियात बरतता है इसका जिसम बीमारी से और इसका नफ्स ख्वाहिशात से महफूज रहता है तात में यह कलाम ज़ामे है वह आलम नंबर बावन हजरत अबू अल-अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन सहल आमली रहमत तरीकत के इमामों में एक बजुर्ग शेख अहल मामला कदो अहल सुफा हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मोहम्मद सहल आमली रहमतुल्ल है जो अपने जमाना में बजुर्ग तरीन अकाबर मशाइ में से महर में इसरार थे तफसर किरा कुरान बयान करने में खास कर माहिर थेदमत के मुरीदों में थे हज़रत इब्राहिम मार्स्तानी की सोहबत पाई हजरत अबू सैद खुर्राज राम करते थे और आपके सिवा किसी को तसवुफ में मुस्लिम मोतबर ना गर्दानते थे आपका इर्शाद है के तबीयतों की मरगूबात से चैन व राहत पाने वाला शख्स दर्जात हक़ से महरूम रह जाता है यानी जो तभी मरगूब बात से ऐशो आराम हासिल कर लेगा वो हकीकत से महरूम रहेगा इसके लिए तबाह नफ्स के आलातोजार हैं और नफ्स जाए हिजाब और हकीकत मुकाम कशफ है मुरीद महजूब मुकाशिफ के बराबर चैन व राहत नहीं पाता लिहाजा हक़ का इधरकश का महल है और ये हकीकत मरगोबातें तबाह से आराज करने में वाबस्तता है तबाह की रगबत दो चीज़ों से होती है एक दुनिया और इसकी चीज़ों से दूसरे आखिरत और इसके अहवाल से लिहाजा जो दुनिया से उल्फत और रगबत रखता है वो तो हम जिन्स होने की वजह से है लेकिन आखिरत से उल्फत रखना जनो गुमान की बिना पर है जो बेदेखी और गैर जिन्स है आखिरत से उल्फत गुमान और ना ही की वजह से है ना कि मुशाह यानी से अगर हकीकत की मार्फत हो जाए तो वो इस जहान में पिघल जाए और जब इस जहान में पिघल जाता है और दुनिया से कता ताल्लुक़ कर लेता है तो वो तबाह की विलायत से गुजर जाता है फिर कहीं जाकर कशफ हकाय का दर्जा हासिल होता है क्योंकि आकिबत को फनाए तबाह के बगैर सकून नहीं मिलता क्योंकि तहक़ीक अकबा में दो चीज़ें हैं जिसका गुजर बंदे के दिल पर नहीं होता आखिरत का ख़तरा भी यही है इसका रास्ता खतरनाक है और इसका कोई खतरा ऐसा नहीं जो दुनिया में दिल के अंदर आ सके जबकि आखिरत की मार्फत हकीकत से हमारा जहन व शुरदा है तो तबीयत को इसके तसुर ऐनी से किस तरह उल्फत हो सकती है ये बात सही है कि तबीयत को आखिरत से उल्फत गुमान ही की वजह से है वल्लाहु आलम नंबर त्रपन हजरत अबू अलमुग हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्ला मंजुमला अकाबर तरीकत मुस्तर के मानी मुस्तहल के दावा हजरत अबू अलमुगीस अल हसैन बिन मंसूर हलाज रहमत अल हैं जो तरीकत के मुश्ताक और इसके रहीने मिन्नत है आपका हाल कवि और हिम्मत बुलंद थी आपके बारे में मशा की राय मुख्तलिफ हैं बाज मरदूद गर्दानते थे और बाज मकबूल जानते थे चुनाचे उम्र बिन उस्मान मकी अबू याकूब नहरजूरी अबू याकूब अक्ता और अली बिन सहल जैसे मशाइ ने आपको मरदूत करार दिया है और हज़रत इबन अता मुहमद बिन खफीफ अबुलसम नसर आबादी और तमाम मशाइ मुता आपको मकबूल जानते थे तीसरा तबका ऐसा है जो आपके बारे में तो की राह पर कायम है इनमें हजरत जुनेद बदी शिबली हरेरी हजरी वगैरह मुशायख तरीकते हैं चौथा तबका ऐसा है जो जादू वगैरह की नस्बत करता है लेकिन हमारे ज़माना में शेख मशाइख अबू सईद अबू अल खैर शेख अबू अलसिम गिरगानी और शेख अबू अलअब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्बास शक्ानी रहमुल्लाह ने इसे बातनी इसरार पर महमूल किया है इनके नज़दीक वो बजुर्ग थे लेकिन उस्ताद अबू अकसम कशीरी फ़रमाते हैं कि अगर वो अरबाब मानी हकाइक में से होते तो लोगों की जुदाई इन्हें हक से जुदा ना होने देती और अगर वो महजूर तरीकत और मरदूद हक़ होते तो ख़ल की कबूलियत से मकबूल ना होते अब हम बहुक्म तस्लीम हक इनके मामला को खुदा के हवाला करते हैं और इनमें जिस कदर हक की निशानियां पाते हैं इतना ही हम इनको बुजुर्ग जानते हैं बहरहाल चंद के सिवा तमाम मशाइ इनके कमाल फजल और कसरत रियाजत मुजाहिदा के मुनकर नहीं हैं इस किताब में इनके तस्करे को बयान करना बदानती होगी क्योंकि कुछ जहरी लोग इनकी तखफी करते हैं और इनके मुनकिर हैं और इनके अहवाल को उज्र खुलिया और जादू से मंसूब करते हैं इनका गुमान है कि हुसैन बिन मंसूर हलाज बगदादी मुलहद हैं जो मोहम्मद बिन जिक्रिया का उस्ताद था और अबू सईद करमती का साथियों हम असर हालांकि वो और शख्स है हम जिस हुसैन बिन मंसूर हलाज का तस्करा कर रहे हैं इनके बारे में हमें इख्लाफ है वो फारिस के शहर बैजा के रहने वाले हैं इनके बारे में मशाइ का जो हिजर और रद है वो इनके जहनो मज़हब पर ताना जनी के सिलसिले में नहीं है बल्कि इनके हाल और कैफियत के बारे में है क्योंकि वो इब्तदा में सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी के मुरीद हुए फिर बग़ैर इजाजत के इनके पास चले गए और उम्र उस्मान की सहबत इख्तियार कर ली फिर इनके पास से भी बगैर इजाज़त चले गए और हज़रत जुनेद रहतुल्ल की ख़िदमत में हाज़िर हो गए मगर उन्होंने कबूल ना किया और सोहबत की इजाज़त ना दी इस बिना पर मशाइ इनको महजूर गिरदानते थे लिहाजा ये महजूरी मामला में है ना कि असल तरीक़त में हजरत शिबली के इस कॉल पर गौर करो फरमाया मैं और हलाज दोनों एक ही राह के राही हैं मुझे मेरी वारफगी ने निजात दी और इनको इनकी अकल ने ख़राब कर दिया अगर वो ऐसे ही मतून मरदूद होते तो शिबली ये ना फरमाते मैं और हलाज एक ही राह के राही हैं और हज़रत मोहम्मद बिन खफीफ अहमा फरमाते हैं कि हल्लाज रबानी आलम हैं इस तरह के और भी अकवाल हैं जिससे मालूम होता है कि मशाख तरीकत की नाखुशी और आग कर देना तरीकत में हिजरान वहशत का बायस होता है हज़रत हलाज हल्लाज रहमा की तसनीफ़ बकसरत हैं और अहवाल फ़रोक में इनका रमूज व कला महजब है हज़रत सयदना दाता गंजब्श रमतल फरमाते हैं कि मैंने बगदाद और इसके गिरदा में इनकी तसानीफ में से पचास किताबें देखी हैं और कुछ खोजस्तान फारस और खरासान में भी तमाम किताबों में ऐसे ही बातें थीं जिस तरह नो आमोज मुरीद ज़ाहिर करता है कुछ कवि और कुछ कमज़ोर कुछ आसान और कुछ सख्त जब किसी पर तजली हक हो जाती है तो वो अपनी क़वत इस्ताद के मुताबिक अपने हाल को ज़ाहिर करता है फजल इलाही इसका मुआवन मददगार बन जाती है और जब कोई बात मुश्किलो दुशवार हो बिलखसूस जबकि बयान करने वाला उजरत हैरत में इजहार करे तो इसके सुनने से ओहाम में नफरत पैदा होती है और अकल समझने से कासिर रह जाती है ऐसे ही वक्त कहा जाता है कि ये बात ऊंची है और कुछ लोग जहालत से इनकार करते हैं और कुछ जहालत से इकरार कर लेते हैं इनका इकरार भी इनके इनकार की मानंद है लेकिन जब महक और अहले बसीरत देखते हैं तो वो इबादत में ना अटकते हैं ना हैरत हैरतब करते हैं वो मधुम से बेताल्लुक होकर इनकार इकरार से दामन को बचाकर गुजर जाते हैं लेकिन वो लोग जो इस जमा मर्द के हाल पर सहरों जादू से नस्बत देते हैं तो ये मुहाल है इसलिए कि अहल सुनत जमात के असूल में सहरों जादू इसी तरह हक है जैसे करामत हक है लेकिन हालत कमाल में शहर का इजहार तो कमतर है मगर इस हालत में करामत का इज़हार मार्फ़त है इसलिए कि शहर अगर ख़ुदा की नाराज़गी का मौजब है तो करामत ख़ुदा की रजामंदी की इलामत ये मसला इस्बात करामत के बयान में तशरीह के साथ बयान किया गया है अहल सुन्नत के साहिबान बसीरत का इत्फ़ाक़ है कि मुसलमान जियाँकार और जादूगर नहीं होते न काफ़िर साहेब करामत क्योंकि जमा इज्दाद महाल है हज़रत हुसैन अलाज जब तक जाम हयात में रहे दरुस्त कार रहे उम्दा तरीक पर नमाज अदा करते थे बकसरत जिक्र अज़कार करते थे मतवातर रोज़ादार रहते थे और पाकिजा हमदोसना किया करते थे और तोहहीद ख़ुदा के नकत बयान करते रहते थे अगर इनके अफ़ाल में सहर होता तो इन सब का सदूर इनसे मुहाल था लिहाजा सही ये है कि ये करामत थी और करामत बजुज वली के मुतहक नहीं होती अहल सुन्नत में कुछ हजरात ऐसे हैं जो इनके असूल इलाही का रद्द करते हैं और इनके कलामात पर एतराज़ करते हैं जो इम्तजाज इतिहाद की ताबीर में हैं ये अल्फाज अगरचे ताबीर बयान में बहुत बहुत बुरे हैं लेकिन माना में इतने बुरे नहीं इसलिए कि मगलूबल हाल में सही ताबीर की कुदरत नहीं होती और अपने गलबा हाल में इसकी इबारत सही नहीं ला सकता और ये भी इम्कान है कि माना में इबारत मुश्किल हो और ताबीर करने वाला इजहार मकसूद में आसान इबारत लाने से कासिर रहा हो और वह मुनकरीन जिनकी फहम में इसके मानी सही नहीं आए वो ऐसी सूरत बना दें कि जिससे इनकार का जवाब पैदा हो जाए तो ऐसों का इनकार इन्हीं की तरह राजी होगा ना के मानी में बाएँ हम मैंने बगदाद और इसके गिरदोनवाह में ऐसे मुलहदों को देखा है जो इनकी पैरवी का दावा करते हैं और अपनी जिंदगी की दलील में इनका कलाम पेश करते हैं और वो ख़ुद को हल्ला कहलवाते हैं इनके बारे में ऐसा गलू करते हैं जैसे वराफ़ मोहब्बत अली रज़ी अनह के दावे में इनके ऐसे कलम का रद्द इनशा इस बात में लाऊँगा जहाँ जुदा जुदा फ़िरकों का तस्करा होगा हाल बहस ये है कि सलामती इसी में है कि इनके कलाम को मुक्तदा ना बनाया जाए इसलिए कि वो अपने हाल में मगलूब थे मुतमक् ना थे मतमक्न के कलाम की ही इब्तदा करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन बिन अलाज मुझे दिल से मरगूब व महबूब हैं लेकिन इनका तरीक किसी असल पर कायम नहीं और ना किसी हाल पर इनकी इस्तकामत है इनके हालात में फितना बहुत है मुझे इब्तदाय जहूर के वक्त इनसे बहुत तकवीत मिली है और दलाइल हासिल हुए हैं इस किताब से कबल मैंने इनके कलाम की शरह लिखी है इसमें दलाइल शवाहत से उलु कलाम और इनकी सहबत हाल का इस्बात किया है और अपनी किताब मिनहाजुल आबदीन में इनकी इब्तदा इनके इंतहा का तस्करा किया है यहाँ भी इतना तस्करा कर दिया है कि लिहाजा जिसके तरीक असल को इतनेजात एतराफात और होलियों से साबित किया जाए इससे ताल्लुक और इसकी पैरवी क्यों की जाए लेकिन जो निफसानी ख्वाहिश का पैरोकार है इसे राह रास्त से क्या ताल्लुक क्योंकि वो ऐसा ही रास्ता तलाश करता है जिसमें कजी और टेढ़ापन हो चुनाचे हज़रत हुसैन हल्लाज का एक कौल ये है कि बोलने वाली जुबानें अपनी गोयाई के नीचे हलाक हैं इनके दिल खामोश हैं ये इबारत सरासर आफत है और यकीनी मानी में ये इबारत एक कसम की बड़ है क्योंकि माना हासिल हो तो इबारत मफकूद नहीं होती और जब मानी मफकूद हो तो इबारत मौजूद नहीं होती बजुज इसके कि इसमें कोई ऐसा गुमान जाहिर हो के जिसमें तालिब की हलाकत मुजमिर हो और इसके लिए वो इबारत को गुमान करता है कि ये इसके हकीकी माना है वल्लाहु आलम नंबर चौवन हजरत अबू इसहाब्राहिम बिन अहमद खवास रंजुमला आयम तरिकत सरहिंग मतवलान सरदार हजरत अबू इब्राहिम बिन अहमद खवास रहमत जिनका तवक्ल में बड़ा मरतबा है बकसरत मशा की सहबत पाई आपकी बकसरत निशानियाँ और करामते हैं तरीकत के मामल में आपकी तसनीफ उमदा है आपका इर्शाद है कि सारा आलिम दो कलमों में जमा है एक ये के अल्लाह तेज चीज का अंदेशा दिल से उठा दिया है इसमें तकल्लुफ़ ना करो दूसरा यह कि जो कुछ तुम्हें करना है वो तुम पर फ़र्ज है इसे ज़ाया ना करो यहाँ तक दुनिया आखिरत में इसके मवाफिक बन जाओ मतलब ये है कि तकदीर में तकलीफ ना करो क्योंकि अजली किस्मत तुम्हारे तकलीफ से बदल नहीं सकती और इसके किसी हुक्म की बजा आवरी में कोताही ना करो क्योंकि नाफ़रमानी तुम्हें अजाब में मुबला कर देगी आपसे कुछ लोगों ने दरियाफ्त किया कि अजायबात में से आपने क्या क्या देखा आपने फरमाया मैंने बकसरत अजायबात देखे हैं लेकिन इससे ज्यादा अजीब कुछ ना देखा कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने मुझसे इजाजत चाही कि मैं तुम्हारी मज़लिस में शामिल रहूँ मगर मैंने इसे मंजूर ना किया लोगों ने पूछा इसकी क्या वजह है आपने फरमाया मेरा मंजूर ना करना इसलिए ना था कि मैं इनसे बेहतर रफ़ी को चाहता था बल्कि मैं दौड़ता था कि मैं किसी गैर हक के साथ एतम करके अपने तोक़ल को जाया ना कर बैठूँ कहीं ऐसा ना हो कि नफल के बदले फर्ज जाता रहे ये आपका दर्जा कमाल है नंबर पचपन हजरत अबू हमजा बगदादी बजाज रहमत मुंजमिला तमकिन असास्ल यकीन हजरत अब हमजा बगदादी बजाज रहमतल्ला है जो अकबिर मतकलमिन मशाइ में से थे आप हजरत मुहासबी के मुरीद हजरत सरीसता से मोहब्बत याफ्ता और हजरत नूरी वैरल के हम जमाना थे आपने इकाबरे मशा की सोहबत पाई और बगदाद में मस्जिद साफिया में वाज फरमाया करते थे तफसर कि रत के आलिम थे आपकी रिवायात हदीस से बुलंद मरतबा है जिस वक्त हजरत नूरी पर इबला का जमाना आया तो आप इनके साथ थे अल्लाह ने सबको निजात अता फरमाई आपका इर्शाद है जब तुम्हारा जिस्म तुमसे सलामती पाए तो जान लो कि तुमने इसका हक़ अदा कर दिया और जब लोग तुमसे महफूज रहें तो जान लो कि तुमने इनका हक़ अदा कर दिया मतलब यह है कि हक दो तरह के हैं अपने ऊपर अपना हक़ और दूसरा अपने ऊपर लोगों का हक़ जब तुमने अपने आप को मासीत से महफूज़ रखा और दुनिया में सलामती की राह पर कायम रहकर आख़िरत के अजाब से इसे बचा लिया तो तुमने इसका हक़ अदा कर दिया और जब तुमने लोगों को अपनी अजियत से महफूज रखा और इनकी बदख्वाही ना की तो तुमने इनका हक अदा कर दिया लिहाजा कोशिश करो कि ना तुम खुद बुराई में पड़ो और ना लोगों को बुराई में डालो इसके बाद हक तला के हकूक की अदायगी में पूरी कोशिश करो वल्आलम नंबर छप्पन हज़रत अबूबकर महम्मद बिन मूसा वास्ती रहमजमिला तरिकत अपने हक इमाम आल हाल लतीफ़ कलम हज़रत अबूबकर महमद बिन मूसा वास्ती रले हैं जो मुहकिन मशाइ में से थे हकैक़ में आपका बहुत बुलंद दर्जा था तमाम मशाइ के नज़दीक आप लायक तारीफ़ और हज़रत जुनेद के कदीम मुसाहिबों में थे आपके इजहारो बयान में ऐसी गहराई होती थी कि इस हाब की फहम से बाला तर होती थी आपने किसी शहर में मुस्तिल इकामत इख्तियार नहीं की जब आप शहर मरो में तशरीफ लाए तो वहाँ के लोग आपकी लतफ तबाह और नेक सीरती के गर्विदा हो गए और आपके वाज गौर से सुना करते थे उम्र के आखिरी आयाम वहीं गुजारे आपका इर्शाद है जिक्र करने वाले को इसकी याद में फरामोश कुनिंदा जिक्र से ज्यादा गफलत होती है इसलिए कि जब खुदा को याद रखे और इसके जिक्र को भूल जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं खराबी तो इसमें है कि तू इसके जिक्र को याद रखे और इसे भूल जाए क्योंकि जिक्र और चीज है और मजकूरा यानी जिसका जिक्र किया जाए और है लिहाजा जब जिक्र के गुमान पर जाते मजकूरा से मुंह मोड़ ले तो इसमें गफलत ज्यादा पाई जाती है जब नस्बत इसके मज़कूर की याद को फरामोश कर दे और गुमान भी ना हो भूल जाने वाले को निशानियों गैबत की हालत में हजूर का गुमान नहीं रहता और जिक्र को हालत जिक्रो गैब में ज़ते मजकूर के हजूर का गुमान होता है लिहाजा अदम हजूर की हालत में हजूर का गुमान बन इसके जो गैबियत ख़ाली अज़गुमान हो ग़फलत से ज़्यादा नज़दीक है इसलिए कि तालिबान हक़ की हलाकत इनके गुमान में है कहीं गुमान ज्यादा और माना कम हो और कहीं माना ज़्यादा और गुमान कम होगा दर हकीकत इनका गुमान अक़ल की इतहाम तराजी है और अकल की इतहाम तराजी नफ्स के इरादा से हासिल होती है लेकिन हिम्मत का तहमत से कोई ताल्लुक नहीं असल ज़िक्र या तो गैबियत में होता है या हजूर में जब गायब अज खुद गैब में और हक के हजूर में हो तो वहाँ जिक्र नहीं होता बल्कि मुशाहिदा होता है और जब बंदा हक से गायब और अज खुद हाजिर हो तो वहाँ भी जिक्र नहीं होता क्योंकि गैबियत गफलत से होती है नंबर सत्तावन हजरत अबूबकर बिन दल्फ बिन खच्चा शबली अलहर रहम मंजुमला आयम तरीकत सकीीना अहवाल सफीनाए मकाल हजरत अबू बकर बिन बिन दल्फ बिन खच्चा शिबली रमतुल्ल हैं जो एक मशाइ में से थे और सब के नज़दीक काबिल तारीफ थे आपके हालात व मकालत बयान हक में व पकीज़ा हैं इशार लतीफ़ और काबिल सताइश हैं जैसा के मुताहरीन मशाइ फरमाते हैं कि दुनिया में तीन बुज़ुर्गों की अजीब व गरीब खसूसियतें हैं एक शिबली के इशारे दूसरे मुरतश के नुकते और तीसरे जाफर की हिकायतें आप इकाबर कौम और सदात अहले तरीक़त में से हैं इब्तदा में आप खलीफा वक्त के मकरब खास थे हज़रत खैरिस की सोहबत में आपने तोबा की और हज़रत जुनेद रहमल से ताल्लुक इरादत कायम किया बकसरत मशाइ से मुलाक़ातें की आपने इरशाद हक़ कुल्लम तीस की तफ़ीर में फरमाया एनबी सल्लह वसल्लम मुसलमानों को यह हुक्म पहुंचा दो कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें यानी सरों की आँखों को ना महरमों की तरफ शहवत के साथ देखने से बचाएं और दिलों की आँखों को गैर-अल्लाह की तरफ देखने से महफूज रखें मतलब यह है कि दिल की आँख को अनवार फ़िक्र से महफूज रखो इसे दीदारों मुशाहे के सिवा और किसी से सरोकार ना रखो लिहाजा ख्वाहिशात की पैरवी और ना महरमों की तरफ नज़र गफ़लत से होती है और गाफिलों के लिए अहानत आमेज मुसीबत यह है कि वो अपने ऐबों से जाहिल होते हैं जो शख्स दुनिया में जाहिल है वो आखिरत में भी जाहिल होगा हक ताला फरमाता है मन मनकाना फी हाजही आमा फिल आखिरती आमा बनील आयत छिहत्तर जो इस जहान में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा दर हकीकत जब तक अल्लाह ताला किसी के दिल से शहवानी ख्याल को दूर ना फरमाए इस वक्त तक सर की आँखें इसके गवा में से महफूज नहीं होती और जब तक अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और अपना इरादा किसी के दिल में जागजीन ना करे इस वक्त तक दिल की आँखें गैर के नज़ारे से महफूज नहीं रहती आप बयान करते हैं कि एक दिन मैं बाजार गया तो लोग कहने लगे हाज ये पागल है मैंने इनको जवाब दिया मैं तुम्हारे नज़दीक पागल हूँ और तुम मेरे नज़दीक होशियार हो लिहाजा अल्लाह ताला मेरे जुनून को और ज्यादा करे और तुम्हारी सोहबत को और बढ़ाए क्योंकि मेरा जुनून शिद्दत मोहब्बत में है और तुम्हारी सोहबत कवी गफलत की वजह से है लिहाजा अल्लाह ताला मेरी दीवानगी को बढ़ाए ताकि इससे मेरीबत और ज्यादा हो और तुम्हारी होशियारी और ज्यादा करे ताकि इससे और ज्यादा दूरी हो जाए ये फरमान गैरतमंदी की वजह से है ताकि आदमी ऐसा ना बने कि वो सोबतो दीवानगी में फ़र्क ना कर सके. आलम नंबर अठावन हजरत अबू मुहम्मद बिन जाफ़र बिन नसीर खालदी आयमा तरीकत हिकायत कुनिंद अहवाल ओलिया हजरत अबू मुहम्मद जाफ़र बिन नसीर खालदी अलैह रहमा हैं आप हज़रत जुनेद के असहाब कबार और मुक्तदमीन मशाइख में से हैं फ़नुन तरीकत के मुतजिर आलिम अस्काम मशाइ के मुहाज थे इतकाम मशाइ के मुफि थे हर फर्म में आपका कलाम अरफा है तरक रौनत के हर मसला में हकयात बयान की हैं यहाँ पर इसका हवाला किसी दूसरे की तरफ किया है आपका इर्शाद है मतवकिल वो है कि इसके दिल में वजूद और अदम बराबर हो मतलब यह है कि रज पाने से दिल खुश ना हो और इसके ना होने से दिल गमगी ना हो इसलिए के जिसम मालिक का मुल्क है इसकी परवरिश और इसकी हलाकत दोनों मालिक ही के कब्जा में है और वो अपने मुल्क को तुमसे ज्यादा जानता है वो जैसा चाहे रखे तुम इसमें तुम इसमें दखल ना दो मलकियत को मालिक के हवाला करके इससे लातालुक हो जाओ आप बयान करते हैं कि मैं एक दिन हज़रत जुनेद अ की खिदमत में हाजिर हुआ तो इनको बुखार में मुब्तला पाया मैंने अर्ज किया कि ए उस्तास आप हक ताला से दुआ करें कि वो सेहत बख्शे हजरत जुनेद ने फरमाया मैंने कल दुआ की थी मेरे दिल से आवाज़ आई कि ए जुनेद तुम्हारा जिसम हमारी मलकियत है हमें इख्तियार है चाहे तंदरुस्त रखें या बीमार तुम कौन हो कि हमारे और हमारी मलकियत के दरमियान खलल दो अपना मुकाम अख्तियार खत्म करो ताकि बंदे हो जाओ वल्लाहु आलम नंबर उनसठ हज़रत अबूली मोहम्मद बिन कासम रुदबारी अलहर मन जुमला तरीकत शेख महमूद मादन जूद हज़रत अबू अली मोहम्मद बिन कासिम रूदबारी हैं जो अकबर जवान मरदान सूफिया के सुरखेल थे खानदान सलातीन से ताल्लुक रखते थे फनून मामला में अजीम अलमरतबा थे आपके मुनाकबो नशानियाँ बकसरत और मार्फतो तरीकत के दकायक में कलाम लतीफ़ है आपका इर्शाद है मुरीद वो है जो अपने लिए कुछ ना चाहे ब जुज इसके जो अल्लाह ताली इसके लिए चाहे और मुराद वो है जो दोनों जहान से बजुज खुदा किसी चीज को ना चाहे मतलब यह है कि हक ताला के इरादे पर राजी अपने लिए कोई ख्वाहिश ना रखे ताकि वो मुरीद सादिक बन जाए। को जेबा है कि अपना कोई इरादा ना होता ताकि खुदा ही इसकी मुराद हो गोया हक ताला ही को चाहे और किसी गैर की तलब ना रखे और वही चाहे जो खुदा चाहे क्योंकि इसे हक चाहता है लिहाजा वो बजुज हक के किसी को ना चाहे चूँकि तस्लीम रज़ा तरीकत का इब्तदाई मुकाम है और रबूबियत के साथ मुहबत करना अहवाल की इंतहा है अबूदियत के तहक से मकाम की नस्बत है और रबूबियत की तइद से अहवाल की मंजिलत है जब यह कैफियत पैदा हो जाएगी तो मुरीद बखुद कायम और मुराद बहक कायम हो जाएगा वल्लाहु आलम। नंबर साठ हजरत अबू अब्बास कासिम बिन मेहदी स्यारी अलम मन जुमला आया तरीकत खजीना दार तोहैदार तफरीद हजरत अबू कासिम बिन महम्मद सारी रहमतुल्ल अल हैं जो अपने ज़माना के इमाम और अलूम जहर और फ़नून हक़ के आलम थे हज़रत बकर वारसी के मोहब्बत याफ़्ता बकसरत मशाइ से अदब गिरफ्तार सूफिया की सहबत में अजहमा अशरफ और राहुल्फत में ज़ाहिर तर थे आपका कलाम बुलंद और तसानीफ उमदा हैं आपका इर्शाद है तोहीद यह है कि दिल में हक तला के सिवा किसी दूसरे का तस्वर ना हो दिल के इसरार पर किसी मखलूक का गुजर ना हो और ना मामला की पाकिजगी में कोई कदूरत हो इसलिए कि गैर-अल्लाह का अंदेशा गैर के इस्बात से है जब गैर का इस्बात है तो हुक्म तोहद साकत है हजरत अबू अब्बास स्यारे के बारे में मशहूर है कि आप मरो के इलाके के एक बड़े रईस थे कोई शख्स दौलत और मर्तबा में आपसे बढ़कर करना था आपने अपने वालिद की मिरास में बहुत माल और दौलत पाया था लेकिन ये तमाम मालो मनाल देकर आप हज़ुर अक्रम सल्हस के दो मुए मुबारक हासिल कर लिए अल्लाह ताला ने आपको इन मुए मुबारक की बरकत से सच्ची तोबाता फरमाई और हज़रत बकर वास्ती की मोहब्बत में रहकर ऐसा कमाल पाया कि सूफ़िया के इमाम हनीफ़ हो गए और आप फरमाया करते थे कि मुझे जो कुछ मिला इन मुए मुबारक की बरकत से मिला जब आप दुनिया से रहलत फरमाने लगे तो वसीयत की कि वो मुए मुबारक को मेरे सीने में रख देना चुनाचे ऐसा ही किया गया इसी का ये असर है कि मरू में आज भी आपकी कब्र का निशान है लोग मजार मुबारक पर हाजिर होकर मुरादें मांगते हैं हल मुश्किल की दुआएं करते हैं और इनकी मुरादें पूरी होती हैं और मुश्किलें आसान होती हैं ये आजमूदा है नंबर इकसठ हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन महम्मद खफीफ अलहमा मंजुमला आयम तरीकत अपने जमाना में तसवुफ़ के मालिक हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन खफीफ रहतुल्ल है आपकी तबीयत तकल्लुफ़रफ़ से पाक थी अलूम में अपने वक्त के इमाम थे मुजाह अजीम में बयान शाफी और हाल उमदा था आपकी तसानी से पता चलता है कि आपने हज़रत इबन अता हज़रत शिबली हुसैन बिन हलाज मंसूर हरेरी और मक्का मुकर्रमा में हज़रत याकूब नहर जूरी की सहबत पाई थी मुजरद रहकर खूब सेहत की आप शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन अल्लाह तला ने तोबा की तोफ़ीक बख्शी और बादशाहत छोड़कर राह तरिकत इख्तियार कर ली आपका बातिन अहले मुआफ़ी के बातिन पर फ़ायक था आपका इर्शाद है तबीयत से मुंह मोड़ने ही में तोहिद का क्याम है इसलिए कि तबीयत शरापा हिजाब है जो खुदा की नेमतों से महजूब अंधा कर देती है लिहाजा जब तक तबीयत से मुंह न मोड़ा जाए इस वक्त तक विसाल हक मुमकिन नहीं और साहिब तबा हकीकत तोहैद से हिजाब में रहता है जिस वक्त तबीयत की आफतों से बाखबर हो गया इस वक्त हकीकत तोहेद मुनकश हो जाएगा आपके दलाइल बकसरत हैं वल्लुआलम नंबर बासठ हजरत अबू उस्मान सईदन बिन सलाम मगरबी अलहरमा मंजुमला आयम तरीकत सैफ सियादत आफ्ताब निजाबत हजरत अबू उस्मान सईद बिन सलाम मगरबी रमतुल्ल हैं जो अहल इस्तकामत बुजुर्गों में से थे साहिब रियासनतो सियासत और फनुन इल्म में कामिल महारत रखते थे रिवायात में मानंद आफ्ताब नजाबत थे आपकी निशानियां बकसरत हैं और बराहीन उमदा हैं आपका इर्शाद जो दरवेशों की सोहबत पर तोंगरों की हमनशीनी को तरजीह देता है अल्लाह ताला इसे दिल की मौत में मुब्तिला कर देता है इसलिए कि जब दरवेशों की मजलिस के मुकाबला में तोंगरों की सोहबत इख्तियार करेगा तो इसका दिल हाजत की मौत से आप ही मर जाएगा और इसका जिसम वहमो गुमान में गिरफ्तार हो जाएगा जबकि मजलिस छोड़ने का नतीजा दिल की मौत है तो सोहबत से एराज का क्या अंजाम होगा इन मुख्तसर कलमात में सोहबत और मुजासनत का फर्क जाहिर है वल्लाहु आलम नंबर तिरसठ हजरत अबू अलकासिम इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन महमूद नसर आबादी अलहर रहमा। मंजुमला आयमाय मुखदमी सूफिया के सफ के बहादुर आरिफों के अहवाल के मबर हज़रत अबू अलसिम इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन महमूद नसर आबादी रहमतुल्ल अ जिस तरह निशापुर में ख्वारजम बादशाह थे और शाहपुर में हमूया बादशाह गुजरे हैं इसी तरह आप निशापुर में बुलंद मरतबा पर फ्श थे फ़र्क ये था कि वो दुनिया की इज्जत रखते थे और आप आखिरत की इज्जत से माला माल आपका कलाम अनोखा और निशानियाँ बहुत हैं हज़रत शिबली शिबलीम्मा के मुरीद और मुतान अहल खुरासान के उस्ताद थे अपने ज़माने में हर फन में आलम अवार थे आपका इर्शाद है यानी तुम दो नियमतों के दरमियान हो एक नस्बत हज़रत आदम की तरफ है और दूसरी नस्बत हक्के ताला की तरफ है जब तुम आदम की तरफ मनसूब होते हो तो शहबत के मैदानों में और आफत की गलत जगहों और मकाम में दाखिल हो जाते हो तो यही वो नस्बत है जिससे तुम्हारा बशर होना साबित है इस नस्बत के लिहाज से अल्लाह ताला ने फरमाया, फरमायाबन आदम बड़ा जफाकार और ना नाअाकबत अंदेश वाक़ हुआ है जब तुम अपनी नस्बत हक ताला से कायम करते हो तुम कशफ़ो बराहीन और इसमत विलायत के मुकाम में दाखिल हो जाते हो यही वो नस्बत है जिससे हक ताला की बंदगी का सबूत मिलता है इसी नस्बत के एतबार से हक ताला ने फरमाया रहमान के बंदे जमीन पर आजजी से चलते हैं पहली नस्बत बशरियत की है और दूसरी नस्बत अबूबियत की नस्बत आदम तो क़यामत में मुनकता हो जाएगी अलबत् नस्बत अबूदीत हमेशा कायम दायम रहेगी इसमें तगैर तब्दील जायज़ नहीं रखा जब अपनी नस्बत को अपनी तरफ या हजरत आदम से जोड़े तो इसका कमाल ये है कि वो कहे इन्नी जलम तो नफसे मैंने अपनी जान पर ज्यादती की है और जब अपनी नस्बत हक ताला की तरफ करता है तो वो बंदा इसी का महल बन जाता है ये हक ताला फरमाते हैं या इबादिला आयत मेरे बंदे आज तुम पर कोई खौफ नहीं वह आलम नंबर चौंसठ हजरत अबू अल हसन अली बिन इब्राहिम हजरमी अलहमा मंजुमला आय मुख्तमीन सालिकान तरीकत हक सरदार अहल तहकीक की जानों के जमाल हजरत अबू अल हसन अली बिन इब्राहिम हजरमी रहमतुल्ल हैं जो बारगा इलाही के बजुर्ग तरीन अहरार बंदों और सूफिया कबार के इमामों में से थे आप अपने उहदे में बेनज़ीर थे हर मानी में आपका कलाम अर्फा और इबारतें उमदा हैं आपका इर्शाद है मुझे अपनी बलाओं में छोड़ दो सुनो तुम क्या इसी आदम की औलाद में से नहीं जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा करके अपनी तरफ से इनमें रूह पोंकी और इन्हें फ़रिश्तों से सजदा कराया फिर एक हुक्म दिया इसकी भी खिलाफ वर्जी की जबकि शुरू ही में तलछट है तो आखिर में क्या होगा आपके फरमाने का मतलब यह है कि अगर आदमी को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो सरासर मुखालिफ हक बन जाएगा और अगर इस पर इनायत हक हो जाए तो सर ताप मोहब्बत हो जाएगा लिहाजा अल्लाह ताला की हसन इनायत को समझकर अपने मामला की बुराई का इससे मवाजना करते रहना चाहिए और अपनी तमाम उम्र इसी मवाजना में गुजार देनी चाहिए आलम। यह है सुल्फ के बरगजीदा मुतदमी मशाइ का मुख्तसर तस्करा अगर मैं इस किताब में तमाम बुजुर्गों का तस्करा करता या तश्रे तफसी के दरपे होता और इनके तमाम हालात वाकयात को दर्ज करता तो असल मकसूद फ़ौत हो जाता कवालत तो के खौफ से इसी पर इतफा किया जाता है अब कुछ ने सूफिया का तस्करा शामिल करता हूँ